नमस्कार मु मिली आपण समस्त को होम फूड चैनल को बहुत बहुत स्वागत करुच्ची। आज मु आपण माने ओपई ब्रह्मपुर स्पेशल खीरो पोड़ पिठा बा खीरो साकुरा रेसिपी नहीं के आछि, जहाँ पार्टी को बहुत टेस्टी लगी थाए और बहुत नरम ही थाए। पिठा देह पई मध्य बहुत हेल्दी ही थाए, खास करके जदि आपण घरे वयस्क लोक बा छोट पिला अछंती सेमानको ए पिठा बहुत भल लागिवो। पूरा परफेक्ट खीरो पोड़ पिठा बनिया पई मु ए वीडियो रे सब छोट छोट टिप्स शेयर करछि, तेनो वीडियो को पूरा लास्ट जाय देखंतु। ता आगुरु जदि आपण माने मो चैनल रे नुआ अछंती तेबे चैनल को सब्सक्राइब करके पाखरे थिबा बेल आइकन को निश्चय प्रेस कर दियंतु। बेल आइकन को प्रेस करले मोर सब नुआ वीडियो रो नोटिफिकेशन आपण माने पाई परबे। एठी आपण देखि परथिबे पिठा केते सॉफ्ट बा नरम हेछि, बहुत टेस्टी मध्य हेतिला। तेबे चलंतु डेरी न करके आज रे रेसिपी स्टार्ट करबा। एटी मो मेजरिंग कप रे मापिकी गोटे कप बासमती चावल नहीं, पाखापाखि 200 ग्राम हम। जदि आपखे बासमती चावल नहीं आपड़ जेकोसी अरुआ चावल भी नहीं पारे। चावल को 3-4 घंटा पानी रे बतुरी देती भलसे धोई। ये देखते गोटे लिटर क्षीर नहीं, पाखापाखि 4 कप हम। गोटे कप चावल 4 कप क्षीर दरकार। तापर ये देखते 3/4 कप चीनी नहीं, आपड़ निज टेस्ट हिसाब से चीनी रो क्वांटिटी कम बेसी भी करेंगे। तापर ये किसी कोरा नड़िया, किसी कटा नड़िया, 4 छोट गुजराती, 2 बड़ चमच किसमिश, 2 बड़ चमच काजू नहीं। काजू किसमिश ये ऑप्शनल अच्छी, आपड़ चाहिए देवे ना स्किप करेंगे, कि नड़िया को निश्चित भाव में देवे, बहुत बढ़िया टेस्ट आसो पिठार। तेज चलत चाउल को बाटिद, चाउल को भलसे धोईकी मुझे गोटे ग्राइंडिंग कप्रे दौर। चावल बाटला बेले जमा भी बेसी पानी दे कि बाटिबेनि, नहले चावल जमा भी चिकन हो कि बाटी हेबनि। तो पाखापाखि ये 3-4 बड़ चमच पानी दूची। चावल को जिते भलसे चिकन करके बाटे पिठा से भल हम। ये देखते बाटी सारे देखिपे पूरा चिकन करके बाटी। चावल पिठोर कनसीस्टेन्सी देखु एतिक ही रखिए, आठ बेस पतला करेनि कि आठ बेस मोटा करेनि। ये देखिपे के बढ़िया ये पिठो पूरा चिकन हो बाटी। तो ये चलत ये पिठो को जंतिबा। प्रथम क्षीर को सीझेबा, ताप गैस उपर गोटे कड़े बसई से 2 पैकेट क्षीर दूची। क्षीर को जदि मेजरिंग कप्रे मापिकी ने 4 कप क्षीर हम। ता छड़ा मु चावल बाटिया पे 1/2 कप पखापाखि पानी यूज करी। ये देखते क्षीर फुटा स्टार्ट हो गला। क्षीर फुटला आम ए बाकी सब सामग्री को पकेबा। ये देखते क्षीर भलसे फुटिगला, तो गैस फ्लेम को ये लो टू मीडियम करदे। तापर एथिरे भल बास्ना हाबापाई गुजराती दबा, गुजराती को भलसे छेचिकी देवे। तापर स्वाद हिसाब से चीनी दूची, चीनी दे सारापर आपको भलसे टिके गोले देवे, जमती चीनी भलसे मिसी जीव। चीनी मिसीगला आम बाकी नड़िया काजू किसमिश को देदे। काजू को ये मुझे छोट छोट खंड करके काटिदेगी। आपड़ चाहिए काजू किसमिश को हल्का घी में रोस्ट करके भी देपारे। तापर आपको मुझे गोल दूची गैस फ्लेम को ये मीडियम रखिए। मीडियम फ्लेम 2-3 मिनिट पर आपको फुटेबे। ता आगुरु ये देखते गोटे बड़ चमच ये घी दूची, बहुत बढ़िया बास्ना आसव। ये मुझे गुआ घी आधा छोट चमच ये लुण दूची, अल्प टिके लुण निश्चित भाव में देवे, जहाद्वारा पिठार मीठा टेस्टा बढ़िजी। ताको ये भलसे आम गोल ये पखापाखि 2-3 मिनिट हो गला फुटबार। तो ये आम बनई कि रखा चाउल पिठो को देदे। चाउल पिठो देला बेले मन रखु गैस फ्लेम को लो रखिए, आ चाउल पिठो को भलसे थे गोल कि धीरे धीरे करके देवे। जमा भी एका सहित देदेवे ना बिंडा बिंडा हो, धीरे धीरे करके ढाबे आ कंटिन्यूसली गोलाउे। एमती करा द्वारा ये जमा भी बिंडा बा लम्स आसबन, आीर में बहुत बढ़िया से बैटर मिसीजी। कंटिन्यूसली गोलाउे गैस फ्लेम को लो ही रखिथे, लो फ्लेम कंटिन्यूसली गोलाउे। किसी समय पर देखिए यहाँ धीरे धीरे पूरा बहलिया हवा स्टार्ट हो। ये देखिपे यहाँ पूरा बहलिया हो आसला, तो पखापाखि 5-7 मिनिट जाए लो फ्लेम आपको जंतिबे। तापर यहाँ पूरा पूरी रेडी पोड़ापी। ये पखापाखि 5-7 मिनिट हो गला, कड़ी छाड़ स्टार्ट हो गला।
एटी देखंतु म आपन मानको आरो कंसिस्टेंसी देखौची एही कंसिस्टेंसी आसीबा जे जंतिबा आठवा बेसी सुखिला करिवानी नहले पिठा सेते भलो बनी एबे आकु 3 रु 4 मिनिट पे गोटे साइड रे रख देबा पिठा को पोडिया पे एटी गोटे नॉनस्टिक रो फ्राई पैन नेचे सेतरे दुई बड चम्मच गुआ घी देकी भलो से ग्रीस कर दोची आपण आ बदल रे जे कोनोसी सिल्वर कड़ी बा हांडी नै परिबे किंतु तार बेस मोटा थिबार अछि बेस मोटा थिले पिठा बहुत भलो से पोडी हबो जदि आपण पाखरे मोटा बासन नै आपण पतला कड़ी बा पतला हांडी रे पिठा को पोड़िया चाहूँगी ताहले से पिठा हांडी को डायरेक्ट गैस ऊपर बसेबेनि ता तले गोटे तावा दे कि पोड़े भल हम ये देखते मुझ चाउल क्षीर जंता को ये फ्राई पैन रे दे सारे ये जंता एबे भी बहुत गरम अच्छी आपण पा हाथ होकर आपको सामान करें नमी स्पाचुला साजु सामान करें एबे इतने गोटे बड़ चमच आ घी दे दूची बहुत बढ़िया बासना आसब घी को पूरा चारिआड़े भल से लगे दबा इटा ये पूरा रेडी गलानी एबे चालों तो आपको गैस ऊपर बसेबा गैस रो फ्लेम को पूरा लो रखिबे लो फ्लेम रे आपको कभर करके 20-25 मिनिट जाए छाड़ देबे टाइम आपन को टिके अधिका बा कम लागी पारे तो आपन मझे मझे थरे चेक कर पारिबे तो पाखापाखी ये 25 मिनिट हो गला ये मुझ मानक कभर काढ़ देखी देखु देखिपे चारिपटर पूरा ब्राउन हो गला पूरा गोल्डन ब्राउन कलर आसीगला मैंने यहाँ पूरा पूरी हो गला तलपटर ना चाहिए टूथपिक पूरे कि छुरी पूरे कि चेक करें पिठा भले से सीझे कि ना ये मुझे टच करके आपण मैं देखिए ये देखते हाथ में जमा भी लगुनि मानने ये गैस को बंद करके 10 मिनिट पर छाड़द हाल्का टिके थंडा होगापर आम आपको गोटे प्लेट को बाहर करदे पिठा ये एबे भी गरम अच्छी तो केयरफुली उल्टेबे तापर गोटे प्लेट रखिकी मुझे उल्टौच ये देखते बहुत सहजरे पिठाटा बाहरी आसी आते सुंदर भाव में पोड़ी आपड़ चाहिए पिठा को एमती भी खाईपरिवे कि आर पट सैड भी टिके पोड़ी जो पट सैड पोड़ा बाकी अच्छे से हीपट सैड ही आम फ्राई पैन में देदे तो आगुरी फ्राई पैन को टिके घी दे कि आउ थे ग्रीस करदे ये पिठा को देकी आम पुणी थे गैस बसईदे आरो साइड पिठा पोड़िया पे जमा भी बेसी टाइम लगभग कारण पिठा भल से सीझी जाइए पूरा रेडी खाली गोल्डन ब्राउन कलर आसापी हाल्का पोड़ी हाँपाई आम आपको गैस बसेबा ये देखते पिठा को मुल्टे सारे एवं आपको चलतु गैस लो फ्लेम बसेबा जेहेतु आर ना पोड़ पिठा तो हाल्का ब्राउन स्पॉट आसले ही पिठार टेस्ट और लुक बहुत बढ़िया आसता है जी आपन को पसंद नहीं आपड़ अल्प समय पर पोड़ पारे ये मुझे 5 मिनिट लो फ्लेम पोड़ला कभर को काढ़ी आउ 3-4 मिनिट एमती छाड़देवि ये देखिपे पिठा केते सुंदर भाव में फुलुची आते सॉफ्ट पाखापाखि 3-4 मिनिट पर ये पिठा पूरा पूरी रेडी जाइए गैस को ये मुझे बंद करदे एवं आपको थंडा हाँप छाड़द थंडा होगापर आपको डीमोल्ड करवा ये पिठा थंडा होकु मु गोटे प्लेट को बाहर करेंगे केते सहजरे पिठा बाहरी आसला केते सुंदर भाव में चारिपटर पिठाटा सामान भाव में पोड़ी आईटी देखी पड़ते केते सॉफ्ट ही पिठा तो ये चलत तो आपको काटा ये पिठा को पूरा थंडा हला सर्व करेंगे थंडा हला ही बहुत बढ़िया टेस्ट आसता है आपण मैंने देखिले पिठा बनवा केते सहज जलखिया भी आपण मैंने पिठा को बनई खाईपरेंगे आ पिठा बनई आपण मैंने 4-5 दिन जाए फ्रिजर आराम से रखिपारे जमा भी खराब होबनी खास करके थंडा हला गोटे दिन बासी हालापर ये पिठार टेस्ट पूरा डबल हो जाए ये देखते पिठा केते नरम हो दुई पटर देखते बहुत बढ़िया गोल्डन ब्राउन कलर आशा करजर यह वीडियो निश्चय आपण मन को पसंद आसि पसंद वीडियो को गोटे लाइक और शेयर कर दिंतु पाखे सब्सक्राइब बटन रे क्लिक करके बेल आइकन को निश्चय प्रेस कर दिंतु बेल आइकन को प्रेस कले मोर सब नुआ वीडियो रो नोटिफिकेशन पाई पुणी आसबि मु गोटे नुआ वीडियो नुआ रेसीपी नहीं कि रोची नमस्कार।